नमस्कार, वेलकम टू श्रविश किचन। दोस्तों, हमारे देश में इस समय लॉकडाउन चल रहा है। हम सभी अपने अपने घरों में एक तरीके से कैद हैं, लेकिन क्या किया जाए, कोरोना वायरस से बचने का यही एक तरीका है हमारे पास। जिस समय अपनी फैमिली के साथ वक्त बिताने का ये बहुत ही अच्छा समय है, थोड़ी सी परेशानियाँ भी हैं क्योंकि पूरी फैमिली है तो बच्चे भी कभी कभी बोर हो जाते हैं और उनकी फरमाइश होती है कुछ नया खाने की। कोई काम वाली घर में इस समय नहीं है तो ऐसे में दिक्कत होती है कि हम क्या बनाएं, और कोशिश यही होगी कि हम कुछ ऐसा बनाएं जो बहुत जल्दी बन जाए और सबको पसंद भी आए। तो चलिए, मैं आपको बहुत ही सिंपल और बहुत ही कम समय में बनने वाली रेसिपी बताती हूँ, जिसका नाम है फ्रेंच बीन्स फ्राइड राइस। ये बच्चों को बहुत पसंद आएगी और आप इसको बहुत कम समय में बना भी सकते हैं। अगर मेरा आज का ये वीडियो आपको पसंद आता है दोस्तों, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। इसको बनाने के लिए मैंने बहुत ज़्यादा सामान नहीं लिया है, बहुत कम सामान के साथ मैं आज इसको बना रही हूँ। तो ये मैंने लिया है एक बोल पका हुआ चावल, और थोड़ा सा मैंने ये फ्रेंच बीन्स लिए हैं, एक छोटी सी प्याज ली है बारीक कटी हुई, एक गाजर ली है उसको भी बारीक कट कर लिया है, और एक कटी हुई हरी मिर्च। चलिए हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। फ्राई पैन को हमने गैस पे चढ़ा दिया है और अब हम इसमें थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। जैसे ही हमारा ऑयल गर्म होगा वैसे ही हम इसमें जीरा डालेंगे और ये कटी हुई हरी मिर्च भी डाल देंगे। इसके बाद हम इसमें कटी हुई प्याज डालेंगे। हल्का गोल्डन होने तक हम इसको फ्राई करेंगे। हल्का हल्का प्याज का कलर चेंज होगा तभी हम इसमें ये कटी हुई फ्रेंच बीन्स डालेंगे। और ये कटी हुई गाजर भी इसमें ऐड कर देंगे। करीब 2 मिनट के लिए हम इसको ढक देते हैं। अब थोड़ा सा इसमें हम लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, बहुत थोड़ा सा डालेंगे, ज़्यादा नहीं। इसके बाद हम इसमें ये पके हुए चावल डाल देंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा चाउमीन मसाला डालेंगे। और अंदाज से इसमें हम नमक ऐड करेंगे।
बस अब हमारा ये फ्रेंच फ्राइज फ्राइड राइस बनके तैयार हो चुका है। ज़्यादा से ज़्यादा इसमें 4 से 5 मिनट का वक्त लगता है, तो आप भी इसको ट्राई कीजिए और अपनी फैमिली के साथ इसको एंजॉय कीजिए। मिलती हूँ फिर से एक नई रेसिपी के साथ, तब तक बाय, थैंक यू।